नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। इनका सवाल है, सर अगर पहले मैंने सेल कर दिया और बाई करना बट नहीं है, बाई करना भूल गया तो क्या शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा? मैं बताने वाला हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल टर्म है, मान लो मैं रिलायंस को सेल कर रहा हूँ, रिलायंस मेरे होल्डिंग में स्टॉक्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने रिलायंस को क्या किया, सेल किया, सेल किया, कितना क्वांटिटी सेल किया, 100 क्वांटिटी सेल किया। लॉन्ग टर्म में ब्रोकर आपको सेल करना नहीं देगा क्योंकि आपके होल्डिंग में स्टॉक नहीं है। कोई भी ब्रोकर अलाउ कर रहा है तो उसकी गलती है। आपको मैक्सिमम ब्रोकर जो है होल्डिंग्स में सेल करने नहीं देंगे, आपको इंट्राडे में करना होगा। इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे वो स्टार्ट ऑफ कर लेगा क्योंकि आपने मान लो सेल किया। आपको देखो, आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल करना है आपको इंट्राडे में, आपको जो है यहाँ पे स्टॉक्स नहीं था, आप सेल कर रहे हो, पैसे आप ले रहे हो, ये आपका मार्जिन है, ये आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। आप सेल कर रहे हो, किसको जाने वाला है सेल कर, सर मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सेल किसको करूँगा, बायर को करूँगा। बायर को नहीं पता है आपकी होल्डिंग में स्टॉक है या नहीं, उसको बिल्कुल नहीं पता है। आपने क्या किया, 100 सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया, बायर जो है 100 क्वांटिटी सेलिंग बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा, आपका स्टॉक उसके पास चला गया, बायर का पैसा आपके फंड्स में आ गया। एग्जाम्पल बोलता हूँ सिंपल, क्योंकि आपने 100 क्वांटिटी सेल किया है, 2500 के हिसाब से 2,50,000 रुपये जो आपके आने वाले हैं, लेकिन बायर को जो है स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में है नहीं। अब क्या होगा, कंडीशन मान लो मार्केट क्लोज होने तक स्टॉक चला गया अपर सर्किट में, ये एफएनडो स्टॉक से ओपन हो सकता है, मैं मिड एंड स्मॉल कैप की बात बोल रहा हूँ, स्टॉक चला गया अपर सर्किट में। अपर सर्किट में क्या होता है, सेलर नहीं होता क्योंकि स्टॉक्स जो है ऊपर जा रहा होता है, तो वो एक लिमिट है। यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ जाओगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मार्केट डेप्थ में, यहाँ पे आपको चीजें दिख जाएंगी, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। मान लो ये अपर सर्किट रीच कर गया और वो ब्लॉक हो गया, सेलर नहीं है, आपने ऑलरेडी पहले सेल कर दिया है, आपको बाय करना है। तो जब आप बाइंग ऑर्डर प्लेस करोगे ना, क्योंकि सेलर कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और आपने ऑर्डर प्लेस किया है बहुत टाइम के बाद, तो आपका ऑर्डर जो है बाय नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपने स्टॉक सेल किया, बायर से पैसे ले लिए, लेकिन आप बायर को स्टॉक डिलीवर नहीं कर सकते, ब्रोकर भी आपके बिहाफ में इंट्राडे ऑर्डर है तब भी बाय नहीं कर सकता क्योंकि सेलर अवेलेबल ही नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप डिफॉल्ट हो जाओगे। डिफॉल्ट मतलब आपने आपको 100 स्टॉक्स रिलायंस का देना था बायर को, लेकिन आप नहीं दे पाए। अब क्या होगा, अब आपके बिहाफ में एक्सचेंज T+2 वर्किंग डेज को रिलायंस का स्टॉक बाय करेगा। अगर मान लो रिलायंस का स्टॉक कल भी अपर सर्किट में है और परसों भी अपर सर्किट में है, तो आज अपर सर्किट, कल भी अपर सर्किट, यहाँ से मान लो 20% ऊपर, और परसों भी अपर सर्किट, एक्सचेंज भी स्टॉक बाय नहीं कर पाएगी। तो जो परसों का हाईएस्ट प्राइस होगा, आज मान लो 2500 का है, कल मान लो 2800 का है, और परसों मान लो 3200 का है, तो 3200 से 20% ऊपर कितना हुआ, आपको 3600 रुपीज़ के आसपास सेटलमेंट होगा। मतलब आपने 2500 में रिलायंस का स्टॉक सेल किया था, इनवर्स केस बोल रहा हूँ, अगर रिलायंस चला गया 3200 पे और एक्सचेंज को नहीं मिल रहा है, तो 3600 के हिसाब से जो हाईएस्ट प्राइस है T+2 वर्किंग डेज में, उसके 20% ऊपर जो कैश अमाउंट है वो बायर को मिल जाएगा। बायर को जो है स्टॉक नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप डिफॉल्ट हो गए, लेकिन आपको 3600 रुपीज के हिसाब से 100 क्वांटिटी का वो 2.5 लाख रुपीज का स्टॉक बाई किया था, लेकिन उसको 3.6 लाख रुपीज उसके फंड्स में ऐड हो जाएंगे। और ये 1.5 लाख रुपीज का जो डिफॉल्ट है वो कौन पे करेगा, वो आप पे करोगे, सेलर पे करेगा। आपसे ब्रोकर, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सचेंज ब्रोकर से पैसे मांगेंगी, ब्रोकर आपसे पैसे मांगेंगी। मान लो आपके होल्डिंग में स्टॉक है 1.5 लाख रुपीज तक का, वो फंड में माइनस कर देगी, फंड में यहाँ माइनस रहेगा, जब आप सेल करोगे होल्डिंग से स्टॉक वो रिकवर कर लेगी, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है तो वो आप पे केस भी कर सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो समझ गए दोस्तों, इनवर्स केस जो है आपको अपर साइड में कितना लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट सेलिंग जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा एफएनडो वाले स्टॉक्स में करो, किल सर्किट लगता भी है तो वो ओपन हो जाएगा आपका, वो ध्यान रखना। मिड एंड स्मॉल कैप में दिक्कत हो सकती है आपको, मैंने बता दिया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा होगा, वीडियो अच्छा होगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद।